हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। के लिए कोई ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ, एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। और वीडियो का टॉपिक जो है आज मेरा है कलौंजी, यानी कि ब्लैक सीड। कलौंजी और ब्लैक सीड के बारे में, कलौंजी को भी ब्लैक सीड बोला जाता है, के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, बट कुछ लोग इसके को नहीं जानते होंगे कि एकदम से किसी के लिए नया भी हो सकता है कि ये क्या चीज़ है, हमें नहीं पता है। तो आम का अचार सब खाते हैं, आम के अचार में जो काले काले छोटे छोटे दाने पड़ते हैं उन्हें बोला जाता है कलौंजी। और हमारी मम्मी दादी और इवन हम भी कभी आम का अचार बनाते हैं तो कलौंजी मस्ट होता है यार, आम के अचार में डालना। तो आपको तब शायद ध्यान आ जाए कि क्या होता है, नहीं तो अधिकतर लोग सभी जानते हैं कि कलौंजी और ब्लैक सीड किसे बोला जाता है। ओके, तो कलौंजी के क्या क्या यूज़ हैं पहले मैं आपको वो बता दूं, ये हमारे लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है ये बता दूं। सबसे पहले ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमारे बालों को ये झड़ने से रोकता है, उनकी रीग्रोथ करता है, उनको सिल्की मुलायम और अच्छा स्ट्रांग बनाता है। तो आप बालों में से कैसे अप्लाई करें वो बता सकती हूँ मैं आपको। आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, कलौंजी का ऑयल और बादाम का ऑयल लेके अपने बालों के रूट से में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके बाल अच्छे सिल्की स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बने। और इवन आप विदाउट इन सब चीजों के भी कलौंजी ऑयल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, ये डायबिटीज में है, हेल्पफुल है, डायबिटीज वाले लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपको जोड़ों की परेशानी है, किसी को भी कोई गठिया बाय जैसी प्रॉब्लम है, तो आप उसमें भी थोड़ी और चीजों के साथ इसको थोड़ा सर्च करके और चीजों के साथ इसका यूज कर सकते हैं, तो ये आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको निवारण देगा। तो मेरे को जो है, एक पहले आपने मेरा कैस्ट्रोल ऑयल का रिव्यू जो देखा उसे पसंद भी किया, अब जो मेरे को उसी के साथ एक और ऑयल मिला है जिसको बोला जाता है ब्लैक सीड ऑयल, यानी कि कलौंजी का ये ऑयल है जो कि ऑर्गेन्स कंपनी का है। तो आज मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक बार यूज़ कर लिया है और पहले भी मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छे रिव्यू देखे हैं, अच्छा अच्छा सुना है, तो दैट्स वाई मैंने कहा कि आप लोगों को भी इसका रिव्यू और इसके फ़ायदे जो है बता देने चाहिए, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ के बारे में बताने की ये से रुकना नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ को फट से शेयर कर देना चाहिए। तो ये है हमारा कलौंजी का ऑयल, जिसे ये होती है कलौंजी, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, ये छोटे छोटे दाने जो होते हैं ये कलौंजी के होते हैं, नहीं तो आप सर्च करके या घर में अपनी मम्मी दादी चाची किसी से भी पूछ सकते हैं कि कलौंजी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो। तो इसको ब्लैक सीड बोला जाता है। ये हेल्थी, ये है फॉर हेल्थी हेयर के लिए। 100 ml की इसमें बोतल है, मेड इन इंडिया है। तो ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, हेयर को ये स्ट्रांग बनाता है और हेयर को रीग्रोथ करता है, ये सब तो इसमें है ही। तो चलो फिर मैं आपको जो इसमें इन्होंने बेनिफिट्स बता रखे हैं मैं वो भी बता दूं। ये प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को, फाइट करता है स्क्रैप इन्फेक्शन से, फाइट करता है, रिड्यूस करता है डैंड्रफ को भी रिड्यूस करता है, मेक हेयर हेल्थी एंड शाइनी, और स्ट्रेंथ देता है, और रिड्यूस करता है हेयर फॉल जो हमारा होता है ना, बाल झड़ते हैं जो, उसको सबसे ज़्यादा, जो कि मुझे भी प्रॉब्लम है, और इन सब चीज़ों के यूज़ से, कैस्टर ऑयल और इसके यूज़ से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, रिड्यूस करता है उसके साथ। तो ये तो था, ये है 100 ml की ये बोतल है, और अब मैं इसकी आपको पैकेजिंग में तो ये सब लिखा, और हाँ इसका प्राइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इसमें प्राइस मैन्युफैक्चरिंग दे रखी है इसकी हमको 1/2020 की, यानी कि 1 जनवरी 2020 की है, और बेस्ट रिवॉर्ड 36 मंथ तक का है। तो इतना देखे 36 मंथ बहुत होते हैं, इतने टाइम तक का ये है। मैन्युफैक्चरिंग तो बता दी मैंने आपको, अब इसकी एमआरपी है जो 647 है, बट आप अगर इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो आपको वहाँ पे 46% का अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उस पर चेकआउट जरूर करना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप चेकआउट जरूर करना, बहुत अच्छा डिस्काउंट है। हमेशा हर चीज पे इतना अच्छा डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो ये अगेन इस तरीके से बोतल है, ये प्लास्टिक की बोतल है, तो ये डर नहीं है कि गिर जाएगी या फूट जाएगी, वो नहीं है। इसको इस तरीके से, इसका ये ढक्कन है जिसमें से हम तेल निकाल सकते हैं। ओके, तो और हम तक पहुंच, तेल आते हुए गिरे ना, तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए अंदर इन्होंने एक एक्स्ट्रा कैप दे रखी है, जो कैप ये है, इस तरीके की प्लास्टिक की कैप है। आप इसको रिमूव करके इसको लगा के जो है यूज कर सकते हैं। ये एक ड्रॉप मैंने तेल निकाला है, तो ये ठीक है, लाइट वेटेड तेल है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा तेल नहीं है,
इसमें हल्की सी कलौंजी की ही स्मेल है और किसी चीज की स्मेल नहीं है, और अच्छे से जो है स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। बाकी जो है मैं आपको इसको पूरा अपने हेयर्स पे अप्लाई करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसा है, तो आप वीडियो में आगे बने रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। कभी भी हेयर में हेयर ऑयलिंग करने से पहले आपको अच्छे तरह से जो है आपके बालों को सुलझा लेना चाहिए। उनको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और घाटे घाटे सी बन रही है, तो वो सब नहीं होना चाहिए, सुलझे हुए होने चाहिए। अगर आपके घर में कोई है आपके हेयर्स पे ऑयल डालने के तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो मेरी तरह है आप भी खुद डालना है तो खुद अपने हैंड से डालिए। आपके पास अगर कुछ और एक वो होता है ना ऑयल का होता है, उस पर दांत से लगे होते हैं वैसे डाल सकते हैं, नहीं तो आप सबसे बेस्ट होता है आप कटोरी में ऑयल लीजिए और रुई से ड्रॉप ड्रॉप करके डालिए, वो सबसे बेस्ट होता है। बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है और वो मैं करके दिखाऊं जो आपको, तो थोड़ा थोड़ा तेल लेके आप इसके स्कैल्प पे अच्छे से जेंटल मसाज दीजिए, जो कि मैं अपने सारे बालों में थोड़ा 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 लेने वाली हूँ, और अच्छे से ये फैल रहा है। तो मेरे तो हेयर ऑयलिंग हो चुकी है, मेरे बालों में अच्छी तरह से मैंने डाल लिया है। थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो नीचे इस तरीके से लगा ली, बट बाल सुलझाना नेसेसरी है यार, बाल सुलझा के जो है ऑयल डाल लिया कीजिए अपने हेयर्स पे। तो मेरी हेयर ऑयलिंग फाइनली हो गई है, और अगर आप इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं पहले तो आपको वॉश करने से 2-3 आवर्स पहले इसको डालना है, और अगर और अच्छा आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट रखिए। ओवरनाइट रखने से बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आपको धीरे धीरे मिलेगा। और हाँ, कोई भी चीज को यूज करने से फर्स्ट टाइम पे ही उसके इफेक्ट नहीं दिखने लगते, कुछ टाइम यूज करने के बाद, कुछ दिन अप्लाई करने के बाद आपको तभी इसके जो है इफेक्ट पता चलेंगे। अगर आप ये सोचे कि हमने रिव्यू देखा और चीज को लेकर एक दिन में आपको इफेक्ट देगा, तो ऐसा नहीं होता है। वैसे भी ये ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है, तो अगर ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये आपको इफेक्ट नहीं देगा, इफेक्ट देगा, बट इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। तो बस इस चीज का पेशेंस रखते हुए आप इसे यूज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो उसे आप इस पे आप चेकआउट कर सकते हैं। बस यही थी मेरी वीडियो, और होप सो आपको पसंद आई हो। तो फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी हेयर ऑयलिंग अच्छे से हो गई है, बाय बाय।